ऑलराइट तो स्वागत है आपका जीपैट डिस्कशन कॉर्नर में। जीपैट डिस्कशन कॉर्नर, जीपैट क्वालिफाई करना ही है। तो आज का हमारा डेली जीपैट सेट ऑफ एमसीक्यू स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 331 से क्वेश्चन नंबर 340 तक। अगर इसके पहले के क्वेश्चन अगर आपने देखे नहीं होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हो, बाकी के पहले प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देख लीजिए और ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे ही वीडियो चैनल पर आते रहेंगे जब तक आपका जीपैट का एग्ज़ाम पूरी तरह से हो नहीं, कंप्लीट नहीं हो जाता। तो वीडियो को पूरी तरह से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, वो है द फर्स्ट चॉइस ड्रग यूज इन पेडिकुलोसिस इज। गाइस सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि पेडिकुलोसिस होता क्या है। पेडिकुलोसिस मतलब बॉडी के हेरी पार्ट्स में जब भी लाइस का या फिर ऐसी कुछ इंसेक्ट्स का इन्फेस्टेशन हो जाता है तो वहाँ पे वो जब भी क्रॉलिंग स्टेज में होते हैं तभी वो ह्यूमन के ब्लड पे सर्वाइव करते हैं, और जब भी वो ह्यूमन का ब्लड जो है सक करते तभी वहाँ पे इचिंग का हम लोग को फील आता है। इतना सीवियर इचिंग होता है कि परेशान हो जाते हैं। इन शॉर्ट क्या कि जब भी हम लोग के बालों में जुए हो जाते हैं या फिर किसी भी बॉडी पार्ट्स में जहाँ पे हेयर्स है वहाँ पे अगर किसी ऐसे लाइस जैसे इंसेक्ट्स का इन्फेस्टेशन हो जाता है तभी उसे हम लोग बोलते हैं पेडिकुलोसिस। और उससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो फर्स्ट चॉइस ड्रग है वो हम लोग को यहाँ पे पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शंस आर क्रोटामिटोन, परमिथ्रिन, बेंजाइल बेंजोएट एंड लिंडेन। ओके तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स्ट चॉइस क्या है, तो इसका फर्स्ट चॉइस जो होगा वो परमेथ्रिन होगा। परमेथ्रिन हम लोग पेडिकुलोसिस में फर्स्ट चॉइस करके हम लोग उसको मानते हैं। ओके तो यहाँ पे हम लोग को ये भी समझना इम्पोर्टेंट है कि लिंडेन इज गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, मतलब बेंजीन पे हर एक कार्बन पे एक एक क्लोराइड है तो उसको हम लोग लिंडेन बोलते हैं। ओके ये भी हम लोग यूज़ करते हैं पर उसका जो एफिकेसी है वो परमेथ्रिन से बहुत ही कम है। ओके वैसे हम लोग बेंजाइल बेंजोएट जो कि एक इस्टर है वो भी हम लोग उसको यूज़ करते हैं, जो कि एक लिक्विड जैसा होता है जिसमें हम लोग को एक फेंट एरोमेटिक सा स्मेल आता है, वो भी हम लोग यूज़ करते हैं, पर उसकी एफिकेसी परमेथ्रिन से बहुत ही कम है। मतलब लिंडेन और बेंजाइल बेंजोएट की जो एफिकेसी है वो परमेथ्रिन से बहुत कम है, इसलिए हम लोग फर्स्ट चॉइस देते हैं पेडिकुलोसिस के ट्रीटमेंट में वो होती है हम लोग की परमेथ्रिन की, दैट इज ऑप्शन बी। ओके हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सिलेक्ट द इनकरेक्ट यूज ऑफ स्टेटमेंट अबाउट आइवरमेक्टिन। ओके तो हम लोग को यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है कि आइवरमेक्टिन कहाँ पे यूज नहीं करते। ऑप्शंस आर एंटी मलेरियल, पेडिकुलोसिस, रिवर ब्लाइंडनेस और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। ओके तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि आइवरमेक्टिन एज एन एंटी मलेरियल ड्रग हम लोग यूज़ नहीं करते। ओके तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एंटी मलेरियल, क्योंकि एंटी मलेरियल के हम लोग आइवरमेक्टिन का यूज जो है वो नहीं करते हैं। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, दैट इज़ डाइमर कैप्रॉल विच इज़ कॉमनली कॉल्ड एज बाल इज़ मेनली यूज इन। ऑप्शंस आर आर्सेनिक पॉइजनिंग, मर्क्यूरी पॉइजनिंग, एल्यूमिनियम पॉइजनिंग एंड बिस्मथ पॉइजनिंग। ओके तो यहाँ पे जो डाइमर कैप्रॉल जो है वो बाल भी बोलते हैं उसको, क्योंकि वो ब्रिटिश एंटी लिविसाइट है। ओके तो वो हम लोग आर्सेनिक के पॉइजनिंग में यूज़ करते मेनली। ओके तो हम लोग को याद रखना है सभी पॉइजन में मिक्स नहीं होना है कि कौन सा पॉइजनिंग क्या, तो डाइमर कैप्रॉल जो है वो आर्सेनिक पॉइजनिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। ओके वो एक्चुअली डाइमर कैप्रॉल जो है वो मर्क्यूरी, गोल्ड, बिस्मथ के पॉइजनिंग में भी यूज़ करते हैं, पर मोस्ट इफेक्टिवली हम लोग आर्सेनिक के पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं, हम लोग को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, टू रिड्यूस एक्सेस कैल्शियम फ्रॉम बॉडी द फॉलोइंग इज यूज्ड। ऑप्शंस आर डाइमर कैप्रॉल, डाइसोडियम EDTA, सक्सिमर और कैल्शियम डाइसोडियम EDTA। गाइस जब भी एक्सेस एक्चुअली बोन का फॉर्मेशन के लिए, टीथ का प्रॉपर स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए बॉडी को कैल्शियम की ज़रूरत तो होती है,
पर कभी कभी इन केस क्या हो जाता है कि कैल्शियम का जो है वो एक्सेस अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में, जो कि प्रॉपर नहीं है, जो कि हार्म कर सकता है बॉडी को। तो वो कैल्शियम हम लोग को अगर निकालना होगा, जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम लोग को क्या यूज़ करना है? तो उसका सही आंसर है डाई सोडियम EDTA, जो कि एक चिलेटिंग एजेंट है, जो कि कैल्शियम के साथ चिलेट फॉर्म करता है और वो कैल्शियम को एक्सक्रीट कर देता है बॉडी से। बहुत जन क्या करते हैं, कैल्शियम डाई सोडियम EDTA को ऑप्शन चूज़ करते हैं, क्योंकि कैल्शियम का रिडक्शन करने के लिए उनको लगता है कि कैल्शियम डाई सोडियम EDTA का यूज़ करते होंगे, पर ऐसा नहीं है। वो डाई सोडियम EDTA का यूज़ करते हैं, फिर जाके वो कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज़ कैल्शियम डाई सोडियम EDTA, और फिर वो बॉडी से मतलब चिलेट फॉर्म करके और फिर वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। पर हम लोग जो एडमिनिस्टर करते हैं, फिर जो देते हैं, वो होता है डाई सोडियम EDTA, दैट इज़ ऑप्शन बी, जिससे कि बॉडी में जो एक्सेस कैल्शियम है उसका लेवल हम लोग रिड्यूस कर पाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ कैल्शियम डाई सोडियम EDTA इज, ऑप्शन अनुसार आयन पॉइजनिंग, जिंक पॉइजनिंग, लीड पॉइजनिंग एंड रेडियो एक्टिव मेटल का पॉइजनिंग। गाइज यहाँ पे इंडिकेशन पूछा है, मतलब मोस्ट कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं डाई सोडियम EDTA को। जैसे कि अभी हम लोग को पूछा था कि डाइमर कैप्रोल सबसे अच्छा किसके लिए हम माना जाते हैं, किसके ट्रीटमेंट के लिए, किसके पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए। तो डाइमर कैप्रोल का हम लोग को आंसर पता चल गया, अभी डाइमर कैप्रोल जो है वो आर्सेनिक पॉइजनिंग के लिए यूज़ करते हैं। पर यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि डाई सोडियम EDTA का हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन जो है कैल्शियम डाई सोडियम EDTA का वो क्या है, तो उसका सही आंसर जो है वो लीड पॉइजनिंग है। ओके, हम लोग को याद रखना है कि कैल्शियम डाई सोडियम EDTA हम लोग लीड पॉइजनिंग को यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई मिथाइल सिस्टीन इज फॉलोइंग चिलेटिंग एजेंट। ओके, ऑप्शंस आर बाल, दैट इज डाइमर कैप्रोल। ओके, डाइमर कैप्रोल मतलब ये बाल होता है, फिर ये डिफीरेप्रोन, पेनिसिलामाइन और सक्सीमर। ओके, डाईमिथाइल सिस्टीन इज़ अ फॉलोइंग चिलेटिंग एजेंट, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज पेनिसिलामाइन। ओके, ऑप्शन सी पेनिसिलामाइन। डिफेरेप्रोन, सक्सिमर और बाल ये डाईमिथाइल सिस्टीन से चिलेटिंग एजेंट नहीं है, बल्कि पेनिसिलामाइन डाईमिथाइल सिस्टीन चिलेटिंग एजेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग एंटीडोट इज यूज्ड इन विल्सन्स डिसीज। गाइस इस वीडियो में हम लोग ज़्यादातर पॉइजनिंग के बारे में, एंटीडोट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, पर डिसीजेस के जो नाम होते हैं ना, मतलब अभी आर्सेनिक पॉइजनिंग, लीड पॉइजनिंग, कैल्शियम पॉइजनिंग, आयरन पॉइजनिंग, ये तो हम लोग को पता चल जाते हैं, क्योंकि इन लोग का पॉइजनिंग का नाम क्या एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट है उसी के ऊपर से डिपेंड करता है, या फिर उसी के ऊपर से उसका नाम होता है। पर ऐसे कुछ कुछ डिसीजेस होते हैं जिसका पॉइजनिंग किसके वजह से हुआ है हम लोग को पता नहीं चलता, क्योंकि उसका नाम कुछ अलग ही होता है। जैसे कि आप देख लीजिए विल्सन्स डिसीज़, विल्सन्स डिसीज़ क्या बनने से विल्सन डिसीज़ हुआ है हम लोग को पता ही नहीं चलता, पर ये पॉइजन डिसीज़ है, मतलब कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, मतलब इसका तो अमाउंट बढ़ चुका है विल्सन डिसीज़ में, तो ये हम लोग को याद रखना होगा, तो समझ लेंगे कि विल्सन्स डिसीज़ क्या है। तो विल्सन डिसीज़ कभी होता है जब भी कॉपर का अमाउंट, कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाता है, तभी विल्सन डिसीज़ होता है। मतलब कॉपर इफेक्टिवली अगर बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा तो फिर जाकर हम लोग को विल्सन डिसीज़ होता है। ओके, तो इसके लिए हम लोग को याद रखना है कि डिसीज़ में क्या बढ़ रहा है वो हम लोग को याद रखना होगा। जैसे कि अभी हम लोग को पता चल गया कि विल्सन डिसीज़ में कॉपर का अमाउंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा एंटीडोट यूज़ करते हैं। तो ऑप्शंस पढ़ लेंगे, ऑप्शंस आर बाल, सक्सिमर, डेफारा सिरॉक्स और पेनिसिलामाइन। ओके, तो इसका सही आंसर जो है, जो कि विल्सन डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, वो होता है पेनिसिलामाइन, दैट इज़ ऑप्शन डी पेनिसिलामाइन, दैट इज़ एसिटाइल सिस्टीन। एसिटाइल सिस्टीन हम लोग यूज़ करते हैं विल्सन डिसीज के एज एन एंटीडोट के लिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग एंटीडोट इज नॉट यूज्ड इन ट्रांसफ्यूजन सिडेरोसिस। सबसे पहला जैसे हम लोग ने विल्सन डिसीज को समझा, वैसे हम लोग ट्रांसफ्यूजन सिडेरोसिस को पहले समझेंगे।
कि ट्रांसफ्यूजन सिडरोसिस होता क्या है। ट्रांसफ्यूजन सिडरोसिस मतलब बॉडी में आयन का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है, ओके इतना बढ़ जाता है कि वो पॉइजनस हो जाता है। मतलब अभी आयरन का जो अमाउंट है वो कैसे बढ़ता है, क्योंकि आयरन का एक्यूमुलेशन हो जाता है बॉडी में। अभी एक्यूमुलेशन कैसे होता है कि जैसे कुछ कुछ पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि थैलेसेमिया वाले या फिर सिकल सेल अनीमिया वाले, जिनको फ्रिक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, उनमें फ्रिक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने की वजह से, उनमें प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ना होने के वजह से, कैसे भी होने की वजह से, वहाँ पे जो आयरन का अमाउंट है बॉडी में वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो पॉइजन के क्लास में आ जाता है। फिर इतना बढ़ जाता है कि वो पॉइजनस के क्लास में आ जाएगा। इसलिए जब भी आयरन का अमाउंट बढ़ जाता है तभी उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन सिडरोसिस। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि देखेंगे कि ट्रांसफ्यूजन सिडरोसिस मतलब आयरन का अमाउंट बढ़ जाता है तो उसके लिए हम लोग एंटीडोट कौन सा यूज़ करते हैं। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑप्शंस आर डेसफेरोक्सामाइन, डिफेरिपोन, डेफेरासिरॉक्स और डाइमरकैप्रोल। ओके ये नाम कोई अजीब है थोड़े, दैट इज़ ऑप्शन बी क्या था, डेफेरिप्रोन, और ये ऑप्शन सी है डेफेरासिरॉक्स। ओके तो यहाँ पे हम लोग का सही आंसर जो होगा वो है डाइमरकैप्रोल। डाइमरकैप्रोल हम लोग यूज़ करते हैं जब ये भी आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है, मतलब उसमें आयन का एक्यूमुलेशन जब भी होता है बॉडी में तभी हम लोग डाइमरकैप्रोल यूज़ करते हैं। कंक्लूजन के लिए मैं बोलूँगा कि डाइमरकैप्रोल कहाँ कहाँ पे आर्सेनिक पॉइजनिंग और आयन में भी पॉइजनिंग में जब एक्यूमुलेशन होता है। ओके और EDTA डाइसोडियम EDTA कभी जब भी कैल्शियम का अमाउंट बढ़ जाता है। चलते इस वीडियो के सेकंड लास्ट क्वेश्चन के पास, वो है द फॉलोइंग एंटीडोट इज यूज्ड इन सिस्टीन स्टोन्स एंड सिस्टीन यूरिया। ओके तो इसके ऑप्शंस है पेनिसिलामाइन, सक्सिमर, डाइमरकैप्रोल एंड डाइसोडियम EDTA। गाइस जब भी सिस्टीन स्टोन्स होते हैं तो उसका एंटीडोट के लिए हम लोग पेनिसिलामाइन यूज़ करते हैं, दैट इज ऑप्शन ए पेनिसिलामाइन। ओके चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के पास, वो है द फॉलोइंग चिलेटिंग एजेंट इज ऑप्टेन फ्रॉम एक्टिनोमाइकोसिस। ओके द फॉलोइंग चिलेटिंग एजेंट इज ऑप्टेन फ्रॉम एक्टिनोमाइकोसिस। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे, ऑप्शंस आर डेसफेरोक्सामाइन, डाइमरकैप्रोल, सक्सिमर और डेफेरासिरॉक्स। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज डेसफेरोक्सामाइन। ओके डेसफेरोक्सामाइन जो है हम लोग एक्टिनोमाइसिस से ऑप्टेन करते हैं। ओके और डेफेरासिरॉक्स जो है वो हम लोग सैलिसिलिक एसिड से डिराइव करते हैं। ओके तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज डेसफेरोक्सामाइन जो है वो एक्टिनोमाइसिस से ऑप्टेन किया जाता है। तो दैट्स ऑल गाइज, हमने सॉल्व किया है 331 से 340 10 क्वेश्चंस। अगर ऐसे आपको क्वेश्चन चाहिए रहेंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए हम लोग यही कहेंगे कि वी बिलोंग टू जीपैट डिस्कशन कॉर्नर, जीपैट क्वालिफाई करना ही है।